और इसका ही डाटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। $100 यहाँ पर $109 बन गए हैं और ये बनाने में। हेलो फ्रेंड, अगर आप ब्लॉगिंग करके पर मंथ $100 या फिर उससे अधिक कमाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा ब्लॉगिंग से कम 7 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ कैसे कमाएं। और इस वीडियो में आपके साथ अपनी ही वेबसाइट का एक एग्जांपल शेयर करने वाला हूं, मैं कैसे वर्क करता हूं। मेरे पास एक न्यूज की वेबसाइट है, इसी का एग्जांपल शेयर करूंगा। जब भी मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर करता हूं ट्रैफिक का, तो काफ़ी आप में से ज़्यादा यूजर पूछते हैं सर ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर कैसे लाते हैं, या फिर सोशल मीडिया से ट्रैफिक भेजते हैं तो कैसे भेजते हैं, एक डिटेल में वीडियो बनाइए। तो ये पार्ट नंबर 1 है। और पार्ट नंबर 2 अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हो राइट नाउ यूजर कैसे ट्रैफिक भेजा हूं, पर डे कैसे अर्निंग करता हूं, ये सारा कुछ मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करता रहता हूं। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। क्वेश्चन आपका ये आता है कि आप कैसे मैनेज करते हो या फिर कैसे ट्रैफिक भेजते हो, तो मेरे पास एक मेरा ही न्यू वेबसाइट है और इसका एग्जांपल शेयर करूंगा। अभी यहाँ पर मूवी से रिलेटेड कंटेंट वगैरह लिख के गए हैं, तो न्यू वेबसाइट को कैसे रैंक कराना है और प्लस मूवी से रिलेटेड मैं आपको कुछ लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड शेयर करूँ। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड ब्लॉगिंग से पर मंथ $100 कैसे कमाएं और ब्लॉगिंग से $100 कमाने में कितने पेज व्यू चाहिए। तो सबसे पहले मेरे पास एक गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन है और ये पार्ट नंबर 1 है। और ट्रैफिक का भी बताऊंगा, कीवर्ड का भी बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। 2 पार्ट आएंगे, अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप देख सकते हो परफॉर्मेंस में हम जाते हैं और यहाँ पर परफॉर्मेंस में टुडे स्टडे का मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लगभग 1200 से 1500 पेज व्यू आते हैं और आप यहाँ पर जो CPC मिलता है काफ़ी एवरेज में अच्छा मिलता है। और ये अर्निंग आपके सामने डाटा शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर रिपोर्ट में जाते हैं, फिर मैं आपके साथ डाटा शेयर कर दूंगा कितने आपको पेज व्यू चाहिए। अराउंड मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कम से कम 20 से 25 के अगर आप पेज व्यू लाते हैं तो $100 आपका बन जाएंगे। और चूंकि लुकिंग फॉर योर YouTube डाटा गो टू YouTube एनालिटिक, ये तो क्लोज करते हैं, ठीक है। अभी ये भी गूगल एडसेंस अकाउंट करीब 6 मंथ ओल्ड ही है और ये अर्निंग काफ़ी अच्छा दे रहा है और मैं आपको बताऊंगा कैसे वर्क करता हूँ, ठीक है। अभी लास्ट मंथ का नहीं, इस मंथ का देखते हैं। दिस मंथ का यहाँ पर क्लिक करते हैं तो दिस मंथ में आपको डाटा दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग में यहाँ पर पेज व्यू आ रहे थे इसी मंथ में, एक अक्टूबर को यहाँ पर CPC मुझे काफ़ी कम मिल रहा था। RPM आप देख सकते हो $2 का $1 का $1 का, इसलिए पेज व्यू तो सही आ रहे हैं लेकिन डॉलर यहाँ पर कम हो रहा है। और जैसे ही जैसे मेरा RPM यहाँ पर इंक्रीज हो गया $3, $4, $5 का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो $2 का अर्निंग हो रहा है। एस्टिमेटेड अर्निंग आप यहाँ पर चेक करना ये, और इस मंथ का जैसे कि आप देख सकते हो ये अर्निंग बढ़ना यहाँ से $3 हुआ है, यहाँ से $5, क्योंकि यहाँ से जो RPM मुझे मिल रहा है $7 का $8 का $6 $10 का, तो अर्निंग भी आप देख सकते हो कम पेज व्यू में आप देख सकते हो अर्निंग $8। तो अभी टोटल आप देख सकते हो यहाँ पर जो मुझे पेज व्यू हुआ है 21K और जो अर्निंग हुआ है $109। तो ये तो आपको मैं एक एवरेज दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा एक आइडिया है, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको 20K या 25K अगर आपका पेज व्यू आता है तो $100 बन जाएंगे, क्योंकि CPC बेस्ड मिलता है और कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं। ये वेबसाइट हिंदी में है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है सर वेबसाइट किस लैंग्वेज में। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, रियल डाटा शेयर कर रहा हूँ हिंदी में, ठीक है। और जो मेरे पास अभी न्यूज़ की वेबसाइट है उस पर यहाँ पर मैं आपको शेयर करता हूँ, फिर आपको कीवर्ड बताऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा ट्रैफिक कैसे भेजता हूँ। पार्ट नंबर 2 में एक डिटेल होगा, क्योंकि कैसे आपको कीवर्ड ट्रैफिक भेजना है, कैसे फॉलो बढ़ाना है, वो पार्ट नंबर 2 में बताऊँगा। अभी यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पोस्ट आ रहे हैं, ये सारा पोस्ट आ रहा है यहाँ पर सोर्स लिंक आप देख सकते हो इनका bollywoodhangama.com से। तो न्यूज़ से रिलेटेड सॉरी यहाँ पर मूवी से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड कीवर्ड है और मूवी से रिलेटेड मैं यहाँ पर पोस्ट ऑटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मैं आपको आल कैंपेन पे भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। अगर आप ये वेबसाइट सर्च करेंगे ना, तो आपको इससे पहले आई थिंक बंगाली लैंग्वेज में मैं ट्रांसलेट कर रहा था, बट वो सारे कंटेंट को हमने डिलीट किया है और फिर नया कैंपेन हमने क्रिएट किया है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर बॉक्स ऑफिस फीचर, यहाँ से मूवी से रिलेटेड प्लस मूवी से रिलेटेड अब मैं कीवर्ड डालूंगा, इस पर ट्रैफिक भेजूंगा, अर्निंग करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक करीब 100+ यहाँ पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ कीवर्ड शेयर करता हूँ। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए HRF टूल ओपन है और यहाँ पर क्लिक हियर टू एक्सेस HRF पे क्लिक कर देता हूँ। ओके फ्रेंड, तो अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए लिखा है
कीवर्ड एक्सप्लोर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और कुछ कीवर्ड मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आइडिया देने वाला हूँ कीवर्ड कैसे निकालते हैं या फिर वो कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं कीवर्ड पेस्ट करने वाला हूँ एक मूवी से रिलेटेड, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, मैं आपको बताऊँ कैसे वर्क करता हूँ। अभी जो आपको एक कीवर्ड शेयर कर रहा हूँ, कीवर्ड डिफिकल्टी आप देख सकते हो 12 है, सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हो 3 मिलियन है, क्लिक आप देख सकते हो 3.77 मिलियन का क्लिक दिखा रहा है, ऑर्गेनिक क्लिक आप देख सकते हो 86% ऑर्गेनिक क्लिक है, केवल इंडिया में आप देख सकते हो 3 मिलियन का ट्रैफिक है। अब यहाँ पर ये जो कीवर्ड है आप देखो कैसे ग्राफ इसका ग्रो हो रहा है, आप कैसे सर्च वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आप इस कीवर्ड पे काम करना। अब इससे रिलेटेड आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा है मैचिंग टर्म पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इसमें से बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड आप देख सकते हो 3 वर्ड से भी ज़्यादा मिल जाएंगे। अब इसमें से आपको जो लो कंपटीशन कीवर्ड पे काम करना है तो यहाँ पर ये सारे कीवर्ड निकाल के आपको, ये थोड़ा सा अगर आप गूगल में सर्च करेंगे इसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया होगा तो आपको पढ़ लेना है कैसे लिख रहा है और कैसे आपको लिखना है, ठीक है। कुछ न्यूज़ वेबसाइटें भी इस पर आपको मिल जाएंगी कंटेंट लिखा हुआ, तो यहाँ से आपको पढ़ लेना है। प्लस अगर इसमें 2 वर्ड है फिल्मी जिला, तो अब यहाँ पर जिला को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर देखिए सर्च कैसे करना है, आपको गूगल में डाटा जब तक सर्च नहीं करेंगे तब तक आपको लिखने का आइडिया नहीं मिलेगा, फिर आप लिख नहीं पाएंगे। तो आपको कीवर्ड ऐसे निकालना है और नेक्स्ट जो तरीका, जब आपका 500 प्लस गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, इस ये सारे कीवर्ड पे बहुत ही जल्दी रैंक होता है और ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपका ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, आई थिंक आपकी वेबसाइट पर, ये जो वेबसाइट है आप देख सकते हो, जो मैं लाइव न्यूज हब करके ये वेबसाइट है, एडसेंस का भी अप्रूवल है, ठीक है। अभी आई थिंक यहाँ पर ऐड नहीं दिख रहा है, शायद यहाँ पर अभी देख सकते हो ऐड दिख रहा है, तो इसको क्लोज करते हैं। तो जब आपका ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगा तो आपको कैसे भेजना है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हो सारा कुछ यहाँ से आ रहे हैं, सोर्स लिंक से आप देख सकते हो, सोर्स पे जाओगे आप ECL वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ से मैं उठा रहा हूँ कंटेंट को और ऐसे मैं पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा जब आपका ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, तो सोशल मीडिया से कैसे वर्क करना है, तो लाइव प्रूफ के साथ मैं एक एप्लीकेशन यूज करता हूँ, प्रो एप्लीकेशन है, प्रीमियम मैं उसको परचेज किया हूँ, लाइव मैं फेसबुक पर चलाता हूँ, कैसे चलाता हूँ, कैसे ट्रैफिक लेता हूँ, पार्ट नंबर 2 में बताऊँगा, पार्ट नंबर 2 जरूर देखना। पार्ट नंबर 2 हो सकता है वेब करो चैनल पर आए, वेब करो सर्च कर लेना, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।